भारत की महान पौराणिक कथाओं का संग्रह। सब्सक्राइब करें भक्ति कथा। अल्लाह मालिक। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि वो अपने होशो हवास में आप दोनों को बिठाकर वसीयत कर दें। माँ, मैंने और गिरधारी ने प्रॉपर्टी के पेपर तैयार करवाए हैं, अब इस पर हस्ताक्षर कर दें। रात दिन साईं पूजा करने वाली ये माँ जी इतनी आसानी से तो मानने वाली नहीं है। जो मेरे सच्चे भक्तों को अपने स्वार्थ के लिए चालाकी और धूर्तता से दुख पहुंचाता है, उसे ये साई कभी माफ नहीं करता। माँ जी देखिए ना, मैंने आपकी साईं बाबा की मूर्ति भी यहीं पर रखवा दी है। मंदिर हटवा दिया बहू, घर से मंदिर नहीं हटाया जाता। माँ जी, आप यहाँ मंदिर वहाँ, आपको बार बार यहाँ से वहाँ जाने में तकलीफ होती ना, इसलिए दीदी ने मंदिर यहाँ रखवा दिया। समझी, तू बहुत समझदार हो गई है बहू, तूने मेरी तकलीफ कम कर दी। जीते जी इस घर से मेरा रिश्ता तुड़वा दिया। बाबा, किन पापों की सजा दी है तूने मुझे? क्या गुनाह किया था मैंने? आज एक गाय को उसके बछड़ों से अलग करवा दिया और तुम चुपचाप तमाशा देखते रहे। नहीं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है बाबा। कम से कम मेरे बहू बेटे ने मुझे किसी वृद्धाश्रम में तो ले जाकर नहीं रखा, सड़कों पर ठोकरे खाने के लिए तो नहीं छोड़ा। बस बाबा, मेरे लिए इतना ही काफी है। बाबा, अब मैं यहां रहूं या वहां रहूं, क्या फर्क पड़ता है? जपना तो तुम्हारा ही नाम है ना, तो जप लूंगी।
जप लूंगी बाबा। ओम साई नाथाय नमः, 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 ओम साई नाथाय नमः। जो सच्चे मन से मेरा नाम लेता है मालिक, उसकी आंखों के आंसुओं को मोती बना देते हैं। सच की राह पर बढ़ाया हुआ एक कदम इंसान को भगवान के दरवाजे तक पहुंचा देता है। जो सच की राह पर चलता है, जो दूसरों की गलतियों को माफ करना जानता है, वही सच्चा इंसान है। उसकी हमेशा जीत होती है। रुक्मिणी, मैं आ रहा हूं। अल्लाह माने। ओम साई नाथाय नमः, 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 ओम साई नाथाय नमः। भाभी, रुक्मिणी भाभी, कहिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। भाभी, आप मुझे कैसे पहचानेंगे? आपकी शादी के कुछ समय पहले ही मैं अमेरिका चला गया, अभी पिछले हफ्ते ही लौटा हूँ। पर बसंत ने आपको मेरे बारे में जरूर बताया होगा। राधेश्याम भैया, आप? हाँ। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। लेकिन भाभी, मुझे बहुत दुख हुआ आपको रुक्मिणी सदन के सर्वेंट क्वार्टर्स में देखकर। नहीं नहीं भैया, वो तो बच्चों के एग्जाम की वजह से। मैं सब जानता हूँ राधा, माँ बाप अपने बच्चों का भार उठाते हैं, लेकिन बच्चे माँ बाप का बिल्कुल ख्याल नहीं करते। लेकिन अब चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैं आया हूँ, इसके बारे में किसी को कुछ मत कहिएगा, मैं फिर लौट कर आऊंगा। ठीक है भैया, ओम साई राम। अब ऐसा भी आसमान नहीं टूट पड़ा कि तुम इस तरह मुंह फुलाए हुए हो। एक न एक दिन तो ये होना ही था। माँ को वहां जाना अच्छा नहीं लगा सरोज, वो बहुत दुखी थी। मुझे तो उनका दुख समझ में नहीं आया। क्यों नीता, तुम्हें समझ में आया? हाँ दीदी, माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए कितने बड़े बड़े त्याग करते हैं। और फिर ये तो ईंट पत्थर की दीवारें हैं और माँ जी इनसे मोह लगा बैठी। अगर वो सास हैं तो हम भी बहू हैं, हमें भी कुछ कहने का अधिकार है। भाभी, एक बात बताओ, बच्चों के एग्जाम होने के बाद माँ यहाँ वापस आ जाएगी ना? देवर जी, अपने इस सवाल का जवाब सुनने से पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। बोलिए भाभी। क्या हमारे बच्चे इस साल के बाद आगे कभी पढ़ाई नहीं करेंगे? और बच्चों की पढ़ाई के लिए एक निश्चित जगह तो होनी चाहिए ना? अब बहुत हो गया सबका मुंह लटकाना। बच्चों के आने का टाइम हो रहा है, उनको इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ। भैया, आपने दादी माँ को देखा? वो अपने कमरे में नहीं है। मैं जानता हूँ दादी माँ कहाँ है। कहाँ है दादी माँ? माँ और चाची ने उन्हें हमारी पढ़ाई के नाम पर सेवेंथ क्वार्टर में भेज दिया है। चलो हम दादी माँ के पास जाते हैं।
ओम साईं नाथाय नमः, ओम साईं नाथाय नमः, ओम साईं नाथाय नमः। पिंकी, बंटू, क्या बात है, तुम लोग पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? दादी माँ, हमें आपके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता, लेकिन पढ़ाई के वक्त अच्छा बुरा सब भूलकर पूरी मेहनत करनी चाहिए, तभी तो बाबा भी खुश होते हैं और अच्छा फल देते हैं। हम जानते हैं, माँ और चाची ने आपको घर से निकाल दिया है दादी माँ। ये तुम क्या कह रहे हो, वो भला मुझे घर से क्यों निकालेंगे, मैं तो अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ बेटे। अब बहुत अच्छी हो दादी माँ, हमें आपके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दादी माँ, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया ना, हम आपके लिए गर्म दूध लेके आए हैं। अरे मैं खाना खा चुकी हूँ, अभी बड़ी बहू खिला कर गई है, अभी तक तो घर में खाना भी नहीं बना है। दादी माँ दूध पी लीजिए ना। बंटू पिंकी, तुम दोनों किचन से दूध चुरा कर लाए हो? दादी माँ के लिए कुछ लाना चुराना होता है क्या चाची? किचन में जाकर कुछ लाने से पहले तुम्हें हमसे पूछना तो चाहिए था ना। क्या दादी माँ को घर से निकालने से पहले आपने हमसे पूछा था माँ? कैंची की तरह चलती है तेरी जुबान, काट डालूंगी इसे मैं। और माँ जी, आप शर्म आनी चाहिए आपको, आप बच्चों को चोरी करना और जुबान लड़ाना सिखा रही हैं, हाँ? बंटू पिंकी अंदर जाओ। नहीं पापा, हम दादी को छोड़कर नहीं जाएंगे। जाओ जाओ बेटा। नहीं हम नहीं दादी, जाएंगे। हम नहीं जाएंगे आपको छोड़ के। नहीं नहीं बच्चों, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा कहते हैं ना वैसे ही करो, जाओ तुम लोग। नहीं दादी माँ, हम आपके साथ ही रहेंगे। देख रहे हैं आप, इन्होंने हमें हमारे बच्चों से ही अलग कर दिया है। बंटू पिंकी अंदर जाओ, चलो जाओ बच्चों, जाओ जाओ। आप कौन है? तुम लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम लोगों को जानता हूं। और अब तो बहुत अच्छी तरह जान गया हूं। अपने पिताजी के गुजर जाने के बाद अपनी माँ को घर द्वार और एक एक दाने के लिए मोहताज कर दिया है तुम सबने। कौन हैं आप और क्या बकवास कर रहे हैं? रानी श्याम भैया, जाने दीजिए। मैंने जो लेटर भेजा था वो तो तुमने रुक्मिणी को दिखाया भी नहीं होगा। मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है, यही करें कि रुक्मिणी सदन चले? नहीं नहीं, अंदर चलते हैं। सन 1980 में तुम्हारे स्वर्गीय पिता और मेरे जिगरी दोस्त बसंत ने यह बंगला बनवा कर अपनी पत्नी रुक्मिणी को उपहार में दे दिया था। बनवारी, उस समय तुम 7 साल के थे और गिरधारी तुम 5 साल थे। 1994 में तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई बनवारी और तुम्हें नौकरी मिल गई। गिरधारी, उसके 3 साल बाद तुम्हारी पढ़ाई पूरी होके तुम्हें नौकरी मिली। लेकिन इन बातों को याद दिलाकर आप कहना क्या चाहते हैं? अरे इतने सारे सवालात मैं तुमसे कर रहा हूं, इसका मतलब है मैं कुछ ना कुछ तो कहूंगा ही तुमसे। बनवारी, 1994 से लेके आज 2009 तक
तुम इस घर में कमाते हुए रहे, मतलब पूरे 15 साल रहे, मतलब मेरे पापा का घर है? नहीं, ये तुम्हारे पापा का घर नहीं है, ये रुक्मिणी भाभी का घर है। इसके कागजों पर रुक्मिणी देवी का नाम लिखा हुआ है। '97 से लेकर आज 2009 तक, मतलब 12 साल से इस घर में तुम कमाते हुए रहे। अनवारी, तुमने और गिरधारी ने किराए के रूप में अपनी माँ को एक नया पैसा भी नहीं दिया। माँ बाप को कोई किराया देता है क्या? तो अपने माँ बाप को नौकरों के कमरे में रहने के लिए कोई मजबूर करता है क्या? हाँ तो बनवारी, अब आगे तुम इस घर में रहना चाहते हो तो मैंने 1200 के हिसाब से पिछले 15 सालों का किराया, मतलब कुल रकम 2,16,000 रुपए किराए के रूप में अपनी माँ को दे दो। और गिरधारी, तुम भी पिछले 144 महीने का 1200 के हिसाब से 1,72,800 रुपया अपनी माँ को दे दो। इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? हम तो नहीं देंगे। हम क्यों देंगे इतनी रकम? ये क्या पागलपन है? तो हमें मजबूरन पुलिस को बुलाकर इस घर के कागजात दिखाने पड़ेंगे और तुम लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। एक मिनट, आप पुलिस बुलाना चाहते हैं ना? बुला लीजिए पुलिस को। दुनिया में ऐसा कोई भी कानून नहीं जो माँ बाप को अपने बच्चों से किराया वसूल करने पे मजबूर करे। तो ऐसा भी कोई कानून नहीं है सरोज कि इतना बड़ा बंगला होते हुए भी अपने माँ बाप को नौकरों के कमरे में रहने के लिए मजबूर कर दिया जाए। अगर तुम चाहो तो अभी पुलिस बुला देता हूं। सुनिए, बात सुनिए। चुपके, तेरी भ्रष्ट बुद्धि के कारण यह हालत हुई है। तेरा बंटू तेरे साथ यही करे तब क्या करेगी तू? हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। हम मां ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो मां। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। पैसे की बात आई तो माँ की ममता सताने लगी। अब ऐसी माफी नहीं मिलेगी। पहले किराए के पैसे दो, फिर तुम्हारी माँ कुछ सोचेगी। माँ जी, हमारी गलतियां माफी के काबिल तो नहीं, फिर भी हमें माफ कर दीजिए माँ जी। माफ कर दो, दोबारा हमसे ऐसी गलती नहीं होगी माँ, कभी नहीं होगी। राधे भैया, सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते, इन्हें माफ कर दीजिए। ठीक है भाभी, अगर तुम कहती हो तो माफ कर दिया, लेकिन एक शर्त है।
इसके आगे तुम अपनी माँ को बिल्कुल तकलीफ नहीं दोगे, ठीक है? हम वादा करते। इसी तरह माँ की सेवा करते रहोगे तो उसी से मेवा मिलेगा। मैं फिर लौट के आऊंगा। अल्लाह मालिक। दादी, आप कौन है? क्या रुक्मणी सदन यही है? हाँ, मुझे रुक्मणी भाभी से मिलना। मेरा नाम राधेश्याम गुप्ता है, मैं अमेरिका से आया हूँ। आप राधेश्याम चाचा हैं? हाँ। तो फिर वो कौन थे?